हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं लौकी की सब्जी। बहुत ही बेसिक रेसिपी है, मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। अगर आपको लौकी खाना पसंद है तो आप इस लौकी की सब्जी को जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस लौकी की सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम लौकी। मैंने इसका छिलका निकाल के धो के इसके छोटे टुकड़े काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके बड़े टुकड़े भी काट सकते हैं। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, इसे बारीक काट लें। एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी हरी मिर्च काटा हुआ लिया है, 2 इंच अदरक घिसा हुआ और 6 से 7 लहसुन घिसा हुआ। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ हम ले लेंगे। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर हम लेंगे 1/2 छोटी चम्मच। तेल हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच। आप चाहे तो तेल का यूज़ और कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जीरा हम लेंगे 1/2 छोटी चम्मच। हल्दी पाउडर 1/3 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार और कोई भी सब्जी मसाला या किचन किंग मसाला 1/3 छोटा चम्मच यूज़ करें। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पे एक प्रेशर कुकर पैन गरम किया है मैंने। पैन के गरम होते ही हम इसमें तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने तेल यूज़ किया है। तेल को अच्छी तरह गरम हो जाने देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा फ्राई हो जाने दें, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए ऐसे पका लें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो अदरक लहसुन को हमने भून लिया था, उसके बाद ये प्याज डाल दें। मिला दें प्याज को। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, या फिर इसे तब तक भूने जब तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है, आप देख सकते हैं, और इसे पकने दें। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि हमें इसमें सूखे मसाले डालने हैं। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दें, लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये किचन किंग या सब्जी मसाला जो भी आप यूज़ करें वो डाल दें। मिला दें इनको। अगर आपके पास सब्जी मसाला या किचन किंग मसाला नहीं है तो उसके बिना भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं। मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही मसाले हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसमें ये कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं या टमाटर को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। टमाटर डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें क्योंकि हमें टमाटर को पका लेना है। तो टमाटर को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कुकर को ढक दें, रबड़ ना लगाएं। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे टमाटर भी प्याज वगैरह के साथ अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ये मसाला बना लिया है, अब हम इसमें लौकी डालेंगे। तो ये कटे हुए लौकी जो हमने पहले से रखा है इसे डाल दें। लौकी के मैंने छोटे टुकड़े किए हैं जिससे कि सब्जी बनने के बाद थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये लौकी डाल दिया मैंने। अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक डालने से लौकी जो है वो जल्दी गलना शुरू हो जाएगा। मिला दें इसे। तो मसालों को अच्छी तरह लौकी में मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम मीडियम है। जैसे ही मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा हम लौकी को भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो ऐसे बिना रबड़ के इसे 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लें। 3-4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएँ, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर लौकी जो है वो गलना शुरू हो गया है। तो अब हम प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे रबर के साथ प्रेशर कुकर को बंद कर दें, गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं। मैंने इस सब्जी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो ये पहली सीटी लगी, दूसरी, तीसरी, मैं 3 सीटी में ही यहाँ पे गैस को ऑफ कर रही हूँ क्योंकि लौकी के लिए 3 सीटी काफ़ी है। प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने दें, उसके पहले इसे ना खोलें। जैसे ही प्रेशर कुकर थोड़ा सा सेटल हो जाए हम इसे सावधानी से खोलेंगे। मिला दें इसे। तो आपने देखा कि इस सब्जी में मैंने पानी बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, उसके बावजूद भी इसमें थोड़ी सी ग्रेवी है। अगर आपको इस सब्जी में थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 1/4 कप पानी डाल सकते हैं।
तो अब हम लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और धनिया पत्ता डाल दें। गरम मसाला लास्ट में डालने से सब्जी का टेस्ट और सब्जी से एक अच्छी सी खुशबू आती है, इसीलिए आप इसे लास्ट में यूज़ करें। दोनों को मिला दें। गरम मसाला और धनिया पत्ता का जो फ्लेवर है वो सब्जी में आ जाए, इसके लिए हम प्रेशर कुकर को बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो गैस को मैंने पहले से ऑफ करके रखा है, उसके बाद गरम मसाला धनिया पत्ता डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे, इसे एक बार मिला लें। तो ये हमारी मसालेदार लौकी की सब्जी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर्व करने के लिए इसे एक बोल या प्लेट में निकाल लें। और आप चाहे तो इस सब्जी को ऐसे सर्व करें या फिर इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये हमारी मसालेदार लौकी तैयार हो गई है। आप इस लौकी की सब्जी को रोटी, पूरी या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन दोनों रेसिपी के लिए इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करें।